खबर के साथ। तो आपको बता दें कि सरकार और प्रदर्शनकारियों में अभी तक बात नहीं बन पाई है। अब शव के साथ सड़क पर बिताएंगे रात। राजधानी में पहली बार होगा ऐसा वाक्य जब सिविल लाइन फाटक पर रात भर रखा होगा शव। मृतक शंभू पुजारी के शव के साथ प्रदर्शन। किरोड़ीलाल मीणा, अरुण चतुर्वेदी, रामचरण बोहरा, अशोक लाहोटी, मुकेश दादिच समेत कई नेता मौजूद हैं। उधर सरकार की कोशिश नहीं हो शव की बेकदरी। मंत्री हरीश चौधरी बोले, सरकार चाहती है समाधान लेकिन व्यक्तिगत द्राव से ऊपर हो उठकर बात हो और तहसीलदार और ईओ पर कार्रवाई के लिए सरकार तैयार। और इसी बीच शशि मोहन शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, बातचीत का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। अब क्या कुछ आगे फिलहाल इस पूरे मामले पर अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, बातचीत हुई है लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। दरअसल जो मांग की गई थी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से, उस मांग को लेकर के सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है। सरकार का कहना है कि तहसीलदार पर वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जो नगर परिषद के ईओ हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन एडीएम लोकेश मीणा को हटाने की मांग की जा रही है। तो सरकार का कहना है कि एडीएम की कोई भूमिका नहीं थी। दरअसल सब रजिस्ट्रार के रूप में तहसीलदार जिम्मेदार हो सकता है, निर्माण कार्य अगर वहां पर कोई अतिक्रमण करके हुआ है तो उसके लिए ईओ जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन एडीएम की सीधे तौर पर कोई भूमिका नहीं दिखती है। सरकार का अंदेशा है ऐसा कि एडीएम से कोई व्यक्तिगत दुराव कुछ नेताओं का हो सकता है और इसलिए किसी तरह की कार्रवाई चाहते हो, लेकिन इस बीच वार्ता नहीं बनी है। और इसका अंदेशा पहले भी होने लगा था जब शाम को बीजेपी के नेता और प्रतिनिधिमंडल, जिसमें समाज के लोग भी शामिल थे, वो वार्ता के लिए जा रहे थे। उसी समय कुछ नेताओं के लिए सामान और गद्दे मंगाए गए थे जिससे रात को यहाँ सिविल लाइन फाटक पर रुकने का इंतजाम किया जा सके। ब्राह्मण समाज के नेता और किरोड़ीलाल मीणा भी अभी उन गद्दों पर बैठे हैं, वो यहीं पर रात को डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक शंभू की आत्मा को न्याय नहीं मिलता, जब तक मंदिर माफी की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर के सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती, कोई कमेटी नहीं बनाती, तब तक वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हालांकि इस बीच एक सवाल यह उठता है कि क्या उपचुनाव की तारीख जो 17 अप्रैल है तब तक यहाँ शव रखकर प्रदर्शन किया जा सकता है? तो इस आशंका को मंत्री हरीश चौधरी खारिज कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में ये पहला मौका है जब राजधानी में सिविल लाइन फाटक पर, जहां राजभवन और सचिवालय दोनों की दूरी देखें तो उससे सेंटर पॉइंट बैठता है ये जगह जहां पर शव रखा हुआ है, उसके बीच में शव रखकर पूरी रात भर प्रदर्शनकारी यहां बैठे रहेंगे। हालांकि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है जब शव रखकर लंबे समय तक प्रदर्शन किए गए हैं तो मानवाधिकार आयोग ने समय समय पर दखल दिया है। ऐसी सूरत में सबकी नजरें मानवाधिकार आयोग पर भी टिकी रहेंगी कि क्या मानवाधिकार आयोग इसको लेकर के अपनी तरफ से कोई पहल दिखाते हुए शव का अंतिम संस्कार करने के निर्देश देता है और फिर सरकार की क्या भूमिका रहेगी। शशि मोहन, अब क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए, पहले दौर की वार्ता तो बेनतीजा यहां पर रही है, अब आगे क्या कुछ प्रयास यहां पर सरकार की तरफ से किया जाएगा? क्योंकि देखिए, कोरोना का कहर भी लगातार जारी है और भीड़ यहां पर जुटनी स्टार्ट हो गई है, प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में वहां मौजूद है, तो अब सरकार की तरफ से क्या कुछ आगे प्रयास किए जाने की बात फिलहाल सामने आ रही है? देखिए, भीड़ जुटना शुरू हो गई थी दोपहर से ही, ये बात सही है, लेकिन अभी प्रदर्शनकारी कम संख्या में है। कोविड प्रदेश में फैल रहा है, नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है, ये सभी तरह की बातें हैं, लेकिन इस सब के बावजूद धारा 144 भी लगी हुई है, लेकिन इस सब के बावजूद रात को प्रदर्शनकारियों ने सिविल लाइन फाटक पर ही बैठ करके शंभू के लिए न्याय की मांग करने की बात कही है। उनका कहना है कि जब तक सरकार इस मामले में ठोस आश्वासन नहीं देती, समाधान नहीं निकालती, तब तक उनका ये धरना जारी रहेगा। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस मामले में सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। सतीश पूनिया हालांकि सहाड़ा के दौरे पर हैं, लेकिन पूरे मामले में उन्होंने फीडबैक लिया है और सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को न्याय देने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और जो दिवंगत शरीर आत्मा है उसको न्याय मिले और पार्थिव देह का अंतिम संस्कार हो सके, ऐसी। चलिए, बिल्कुल, देखने वाली बात यह है कि आगे कब तक इस पूरे मामले पर कोई समाधान सरकार की तरफ से निकल कर आता है या फिर नहीं। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद शशि मोहन आपका।